सत्संग चर्चा के रूप में प्रवेश की। पूज्य महाराज श्री से अनुमति प्राप्त करते हुए आज के सत्र के प्रारंभ में हम सब ने पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का बहुत प्रेरक आशीर्वादात्मक उद्बोधन स्वीकार किया, ग्रहण किया। हमारे पंचायती बड़ा खड़ा उदासीन के श्रीमान महंत और वर्षों वर्ष तक पूज्य महाराज श्री की सेवा में समर्पित भाव से जो लगे रहे, हमारे पूज्य काशी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने यहाँ आज के सत्र से पूर्व सबको आशीर्वाद दिया। पूज्य श्रीमान परमानंद जी महाराज जहाँ उपस्थित हैं, पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज और सभी संत, आज पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की चर्चा में भी अर्जुन के विषाद की बात आई और स्वाभाविक संयोग से पूज्य पंचायती बड़ा खड़ा उदासीन के महंत अद्वैतानंद जी महाराज के श्रीमुख से भी अर्जुन के विषाद की बात आई। संयोग से कल की जहां हमारी चर्चा ने विश्राम लिया था, उसी से आगे सत्र प्रारंभ होना है। अर्जुन की वह दशा, जबकि अर्जुन ने सामने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को देखा और देखते ही अर्जुन के भीतर की मोह वृत्ति जाग उठी और मोह वृत्ति ने अर्जुन के कर्तव्य बोध के आगे आवरण खड़ा कर दिया। ये केवल अर्जुन की बात नहीं, ये एक वैश्विक समस्या है आज की। सच तो ये है, अर्जुन का रोग आज एक वैश्विक रोग के रूप में दिखाई दे रहा है। समस्या तब तक एक विकृत स्वरूप ले लेती है जब कर्तव्य के आगे मोह का आवरण आ जाता है, आसक्ति। अर्जुन के मोह ने अर्जुन को उसके कर्तव्य पथ से विमुख किया, ये सत्य है। लेकिन पहले हम उस स्थिति पर भी थोड़ी चर्चा कर लें कि अवसर यह पहला नहीं था कि जब अर्जुन कहीं ऐसा युद्ध कर रहा था। युद्ध अर्जुन अनेक कर चुका था, प्रास्त कभी नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। और जिनको सामने देखकर अर्जुन के मन में आज मोह जागृत हुआ, उन पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से भी अर्जुन युद्ध कर चुका था। महाभारत कथा जब हमने श्रवण किया तब भी और पूर्व में भी सब लोग ऐसी घटनाओं से, जब महाभारत सीरियल चला तब भी परिचित हैं। लेकिन आवश्यकता है आज कि ऐसी कथाओं को, ऐसे घटना प्रसंगों को एक विचार की दृष्टि से लेना और वर्तमान की आवश्यकता के रूप में देखकर उसे जीवन में स्वीकार करना।